जी सर, आपका धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहीं भाई कोई बात नहीं, ठीक है जी, चलो ठीक है जी, फोन रखता हूँ। बहुत बड़ी मदद हो गई है ना सर। कल रात को मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें दुर्गेश नायक नाम का बंदा ने मुझे मैसेज किया हमारी गौ सेवा परिवार की आईडी में, और उन्होंने बोला कि सर मैं गौ सेवा के लिए हमारे यहाँ गौशाला है जिसका ओपनिंग अभी तक नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ कि वहाँ हम गौ सेवा चालू करें, हम कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा। वो बोल रहे कि हमें मुझे कहीं से भी सहयोग नहीं मिल रहा। अब मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ और हम दुर्गेश जी से पूछेंगे कि वो किस प्रकार की मदद चाहते हैं। गौशाला मतलब ऑलरेडी बनी हुई है, वो चालू नहीं हुई है सर, और जो मंत्री जी ने ना हमको तो वो ग्राउंड दिया है कि इसमें बाजरा वगैरह वो क्या आप गायों को मतलब चारा डाल सकते हो। जी सर, जी सर, जी सर, ओके ओके ओके। तो मैं क्या आपसे जान सकता हूँ कि आपने मुझे मेनली किस टाइप के सहयोग के लिए मैसेज किया था? जी सर, मैंने इसलिए करा कि जैसे कि कोई मतलब जी आप अगर बात करवा सको कि हाँ भाई इनको गौशाला में गायों को रखने की परमिशन दिलवा पाऊंगा। नहीं नहीं सर, मैं आपकी बात नहीं समझ रहा, मतलब कि आपको गायशाला मतलब जो है गौशाला ऑलरेडी बनी हुई है सर और वो चली नहीं है। अच्छा, गौशाला बनी है लेकिन वो चली नहीं है। चली नहीं है वो, उसको बने ने कम से कम 6-7 हो गए हैं, तब चली नहीं है वो। सॉरी, शहर का आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? सर मंदसौर से 10 किलोमीटर गुजर पड़े गाँव में। ठीक है जी, तो आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह कौन सा पड़ता है? नियर मंदसौर। ठीक है, मंदसौर। ठीक है सर, जो मैं आपकी बात से अब तक समझा हूँ तो मैं अब तक यही समझा हूँ कि लाइक आप जैसे हमें कि आपके यहाँ गौशाला है वो सिर्फ बनने अभी तक चालू नहीं हुई है, उसमें अभी उन्होंने गायें रखना चालू नहीं किया है, आप गायें की सेवा करना चाहते हो, आप एनजीओ चलाना चाहते हो, ठीक है जी? जी जी सर। जी, हाँ, आपको आपको मतलब कि खेत आपको किसी मतलब कि मंत्री ने खेत दे दिया है कि आप इस पे कुछ भी उगा सकते हो। जी जी हाँ सर, मतलब खेत दिया है ना वो तो बाजरे के लिए दिया है कि आप बाजरा वो और गौशाला को दे सकते हो मतलब, और मैंने वो गौशाला को देने के लिए ही किया है खेत। ठीक है, कहीं गौशाला में चारा वगैरह की व्यवस्था लगे तो हम दे सके, बाकी रस्तों पे जो गाय भटक रही है उनको तो गौशाला वाले ले जा नहीं पा रहे हैं सर। इसमें तो गाँव ही है, 30 तो गाँव ही है आस पास मंदसौर के। ठीक है जी, तो आपके शहर में कितने हैं? मैं आपके शहर अपने, अपने तो ये समझ लो 15 तो अपना गांव में ही है, और पड़ोसी गांव में जो है वो 33 गाय है कम से कम। आपको किसी पर निर्भर ना होके उससे आपको पहले ही खुद कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे आप फेसबुक पर आप कई एनजीओ देखोगे जिनके पास शेल्टर नहीं है वो फिर भी काम कर रहे हैं। तक आपको पता है कि गाय पर कितना अत्याचार हो रहा है, आप पर सीधा वो बिलीव कर ही नहीं सकते। आप अगर बोल दो कि हमने यहाँ पर आपके शेल्टर चाहिए, एनजीओ चाहिए, ठीक है जी? जी, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा खुद से, ना कि किसी गायशाला, ना कि किसी मंत्री पर निर्भर रह के। 33, 34, 50 कोई ज़्यादा संख्या में गाय वंश नहीं है, ठीक है जी, पर आप उनको पहले आप 50 का देखिए, उन 50 में से कौन सा घायल है। जब तक गायशाला नहीं होती शुरू आपके शहर में, तब तक आप उनको हरा चारा तो खिलाइए ना, जो आप किसी गायशाला पर क्यों निर्भर। उन वो तो बोल दें कि हम अगले साल शुरू कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है जी? जी, आप अगर ऐसा काम शुरू करते हो आज, ठीक है जी, मैं मेरा वादा है आपसे 1-2 महीनों में ही आपके साथ कई ऐसे लोग जुड़ जाएंगे जिससे आपसे आपको एक रास्ता पता चल जाएगा, आपको अपना मार्ग पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरी एनजीओ ऐसे चल सकती है। पहले आपको सड़कों से ही शुरू करना पड़ेगा। ऐसे तो अगर मान लीजिए कोई भी एक बच्चा भी चाहे सड़क से उठकर, 10 साल का एक बच्चा भी बोले कि हाँ मैं एनजीओ चलाना चाहता हूँ, उसको कोई भी गौशाला, कोई भी उसके घर के ऐसे ही शेल्टर नहीं देंगे। आप कोई गायें अगर सड़क पे पड़ी है आप उनको आसानी से खड़ा कर सकते हो 4 पैरों में, अगर आप 6 से 7 जाने हो तो आसानी से खड़ा कर सकते हो। जी, मैं क्या बोल रहा था कि ज़्यादातर गायें में कमजोरी इस गर्मी में पानी की कमी की वजह से आती है। आप
जहाँ पर कोई गायें मिलती हैं वहाँ पर आपको कोई खेत होगी, मोटर होगी, किसी का घर होगा, बाल्टी लेकर निकलिए सड़कों पर, पानी पिलाइए उन्हें। एनजीओ आपकी तैयार है सर, जो मैंने काम बोला है बस आप कर रही है, आपको खुद ब खुद आपको रास्ता क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। तो मैं सर एक्चुअली, हेलो जी सर, अभी मेरे सामने एक कैमरा है और मैं अपनी ये कॉल आपकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं क्या हमारे YouTube चैनल पर इसे पोस्ट कर सकता हूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि जी हम NGO एक ऐसे हम बिल्ट कर सकते हैं, ताकि जिन लोगों के मन में ये सवाल रहता कि हमने NGO चलानी, हमने गायशाला शेल्टर नहीं दे रही, हमें कोई मंत्री नहीं शेल्टर दे रहा, हमें कोई सहयोग नहीं दे रहा, उनको पता चल सके बिना सहयोग के वो कैसे चला सकते हैं, कि जो आप सेवा शुरू करोगे तो हम आपको बिल्कुल प्रमोट करेंगे। ठीक है जी, जी जी सर, आपका धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहीं भाई कोई बात नहीं, ठीक है जी, चलो ठीक है जी, फोन रखता हूँ। बहुत बड़ी मदद हो गई है ना सर। तो अब दुर्गेश को तो समझ आ गया है कि एक एनजीओ कैसे स्टार्ट करनी है, वो उस पर निर्भर है कि वो जैसा मैंने बताया है वैसा चालू करता है या नहीं। लेकिन काफ़ी लोगों को लगता है कि हमें किसी का सहयोग चाहिए, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है कि आपको एनजीओ चलाने के लिए किसी का भी सहयोग नहीं चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस बात पर ज़रा गौर करेंगे।